नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। भरुआ करेले सभी लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैं किस प्रोसेस से बनाती हूँ वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, करेले के साइज और कलर पर मत जाइएगा। लॉकडाउन पीरियड पर जिस तरह के करेले हमें डिलीवर हुए, मैंने वैसे ही उनको भर दिए। यदि आप भरुआ करेले बना रहे हैं तो आप करेलों का साइज मीडियम रखिएगा। तो चलिए बनाते हैं करारे भरुआ करेले। भरवा करेले बनाने के लिए मैंने लिया है करेला, प्याज जो कि मैंने रफली काटा हुआ है, लहसुन की कलियां, कच्ची अमियां कद्दूकस करी हुई, 3 चम्मच के लगभग सौंफ, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच मेथी, स्वाद अनुसार गुड़ और किचन मसाले। दोस्तों, ये लगभग 1/2 किलो करेला है जिसको मैंने छील कर बीज से चीरा लगा लिया है। यदि पका हुआ बीज हो तो आप निकाल दीजिए। दोस्तों, भरवा करेले में पंचफोड़न मसाला बहुत जरूरी होता है। इसको हम भरवा मसाला भी बोलते हैं, जिसमें सौंफ, राई, जीरा, कलौंजी और मेथी होती है। इन मसालों को सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तवा चढ़ा के सबसे पहले डालेंगे सौंफ। दोस्तों, सौंफ चटकने लगी है, इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। गैस बंद कर देते हैं, ये भून चुकी है। सौंफ को निकालने के बाद डालेंगे जीरा, राई, मेथी, कलौंजी, इनको भी भून लेंगे। दोस्तों, जीरा और राई भी चटकने लगा है, इसमें से भी अच्छी सी खुशबू आ रही है। गैस बंद कर देते हैं। दोस्तों, जब ये सारे मसाले ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। दोस्तों, उसी तवे पर हम सरसों का तेल डालकर अब प्याज लहसुन को फ्राई कर लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं लहसुन। प्याज इनको अच्छे से पका लेना है ताकि इसका कच्चापन प्याज का खत्म हो जाए। जिस तरह का प्याज मुझे चाहिए वैसा रेडी हो चुका है। गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। दोस्तों, ये ड्राई रोस्ट किए हुए मसाले ठंडे हो चुके हैं, इनको अब हम पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने बारीक पीस लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्याज लहसुन को पीसते हैं। अब हम प्याज लहसुन को पीस लेंगे और इसी में अमिया डाल देंगे। स्वाद अनुसार अमिया डालेंगे और दोस्तों, अमिया की जगह आप अमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, प्याज लहसुन अमिया का पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम मसाले मिक्स करेंगे। दोस्तों, फिर से मैंने वही तवा चढ़ा दिया है जिसमें मैंने प्याज भूना था। इसमें डालेंगे हींग, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, कलर के लिए हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे। मसाले भून चुके हैं, इसी में अब हम डालेंगे प्याज। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले प्याज में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। गैस बंद कर देते हैं और अब इसमें हम डालेंगे पंचफोड़न मसाला। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, सारे मसाले अच्छे से प्याज में मिक्स हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम इस मसाले को करेले में भरते हैं। दोस्तों, आप अपने हिसाब से टेस्ट कर लीजिएगा। आपको यदि खट्टा ज्यादा खाना है तो आप अमचूर और मिला दीजिए, अमिया मिला दीजिए, नमक ऐड कर दीजिए। दोस्तों, इस बचे हुए पंचफोड़न मसाले को आप एयर टाइट जार में डालकर स्टोर कर सकते हैं।
मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर रही हूँ। बहुत से लोग गुड़ नहीं डालते हैं, पर हमारे यहाँ भरवा करेले में गुड़ पसंद करते हैं। बहुत से लोग भरवा मसाले के साथ इस छिलके को भी करेले में भर देते हैं, पर मैं नहीं भर रही हूँ। करेले भर चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैन चढ़ाकर मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस को धीमी आंच में कर दीजिए और धीमी ही आंच में इसको पकने दीजिए। चलिए करेलों को चेक कर लेते हैं। गैस को अभी भी धीमी ही आंच में रखना है। चलिए फिर से करेलों को चेक कर लेते हैं, इनको पलट देते हैं। ये करीब करीब हो चुके हैं दोस्तों, ये करारे हो गए हैं। गैस बंद कर देते हैं, अब इनको निकाल लेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये करारे भरवा करेले पसंद आए होंगे। आकार पे मत जाइएगा, स्वाद बहुत अच्छा है। तो चलिए एंजॉय कीजिए।